नमस्कार, मैं कनिका बंसल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज़ रूम पोस्ट में। पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर खड़ा है। देश भर में सरकार के विरुद्ध में लोगों के अंदर गुस्सा भरा है। लोग सड़कों पर उतरकर आटा, चीनी, दूध से बढ़ते दामों को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इस बीच डिफॉल्टर होने के खतरे से जूझ रहे पाकिस्तान को सऊदी अरब और UAE ने बड़ी मदद दी है। राहत की आस लेकर संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे PM शहबाज को $3 अरब की मदद का भरोसा दिया। UAE सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान को अगले 2 महीनों में $2 अरब का कर्ज जारी किया जाएगा। इसके अलावा $1 अरब की मदद अलग से भी दी जाएगी। यही नहीं, सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को $1 अरब की तेल सप्लाई करने का भरोसा दिया है, जिसकी फिलहाल अदायगी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान को उम्मीद है कि इस मदद के जरिए वह इस कर्ज की किश्तों को चुका सकेगा और ईंधन के संकट से भी उभर पाएगा। पाकिस्तान की हालत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि केंद्रीय बैंक की विदेशी मुद्रा भंडार गुरुवार को $14.34 अरब पर ही सिमट गया था। यह आंकड़ा फरवरी 2014 के बाद सबसे कम है। इसके जरिए पाकिस्तान महज 1 महीने की ही आयात का बिल चुका सकता है। इसके अलावा चीन समेत कई देशों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से उसने $26 अरब तक के लोन ले रखे हैं, जिसकी अदायगी करने की भी चुनौती है। इन कर्जों की किश्तें ना चुकाने पर पाकिस्तान के सामने डिफॉल्टर होने का खतरा भी है। अब UAE और सऊदी ने उसकी गुहार पर जो फैसला लिया है, उससे जरूर पाकिस्तान को तत्काल कुछ रिलीफ मिलने की संभावना है। पाकिस्तान की मदद को हाथ आगे बढ़ाते हुए UAE ने $2 अरब के कर्ज को 2 किश्तों में देने का फैसला किया है। पहली किश्त फरवरी में जारी की जाएगी, जबकि दूसरी किश्त मार्च में ट्रांसफर होगी। पाकिस्तान से सरकारी सूत्रों का कहना है कि इस मदद से उसे कुछ वक्त मिल जाएगा। अब पाकिस्तान की ओर से IMF से कर्ज की गुहार लगाई जाएगी, जहां लंबे समय से आवेदन किया गया है, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं हो सका है। पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा भंडार की कमी के चलते आयात को भी रोकना पड़ा था। इससे पेट्रोल, डीजल, गेहूं समेत कई जरूरी चीजों की भी पाकिस्तान में किल्लत देखी गई है। यहां तक कि कच्चे माल की कमी के चलते उद्योगों को भी बंद करना पड़ा है और लोग बेरोजगार होकर घर बैठे हैं। ऐसे में विश्व भर से पाकिस्तानी लोग सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना भी कर रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।